राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय गंगा मैया। आज हम हरिद्वार में हैं और अभी आपको श्री वासुदेव आश्रम में एक राम दरबार है, बहुत अच्छा मंदिर है, अभी हम उसके दर्शन आपको कराएंगे। बस मेरे साथ बने रहें और पूरी वीडियो देखें, बहुत ही आनंद आने वाला है। इस मंदिर में बहुत कुछ देखने का है जो हम आपको आज दिखाएंगे, तो आइए मेरे साथ बने रहें। जय श्री राम। ये देखिए, बाहर मेन गेट है जिस पे लिखा है श्री राम दरबार शीश महल मंदिर। ये गेट है और गेट के बाहर आप देखो लिखा हुआ है वासुदेव आश्रम ट्रस्ट, ठीक है, ये श्री वासुदेव आश्रम ट्रस्ट समिति, श्री राम दरबार शीश महल मंदिर, स्वचालित झांकियां हैं यहाँ पे। अब आप देखिए, मेरे साथ बने रहे और आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। जय श्री राम। ये यहाँ का इस मंदिर का मैन मंदिर, मैन मंदिर के अब आप दर्शन कीजिए। ये प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता, इतना सुंदर दृश्य है। पूरा पीछे कांच लगा हुआ है, ये कांच के मंदिर में, और देखिए बाहर भी मैं दिखाऊं, ये पूरा कांच से है, पूरे में कांच जड़ा हुआ है। देखने लायक मंदिर है हरिद्वार में। भीमगोड़ा से जब भारत माता मंदिर की तरफ को चलते हैं तो पावन धाम पड़ता है, पावन धाम के जस्ट बरोबर में ये वासुदेव आश्रम है। और देखिए, मैं और दिखाऊं, यहाँ शिव और पार्वती माता, ओम नमः शिवाय, और साथ में गणेश जी महाराज भी बैठे हुए हैं। और आप देख रहे होंगे पीछे पूरा कांच का दृश्य, आपको सारे में कांच जड़ा हुआ है, दीवार पे कहीं सीमेंट नहीं दिखाई देगा, सारे में शीशे की नक्काशी की हुई है, बड़ी सुंदर। देखिए, श्री राधे कृष्ण, ये राधे कृष्ण जी का मंदिर है, कितना प्यारा मंदिर है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ भी सब शीशे की जड़ाई है। देखिए, ऐसे मंदिर को देखने में मन लगता है, भगवान भी देखे साक्षात जैसे बोलने वाले हों, ऐसा प्रतीत होता है। बड़े प्यारे दर्शन हैं। इसके बाद आगे का मंदिर दिखाऊंगा। यहाँ ये शायद लवकुश जब रथ रोक लेते हैं, ये उस समय का दृश्य है। इधर वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं और इधर शायद माता सीता हैं, छवि देख के ही मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आइए, ये दृश्य है भगवान नरसिंह अवतार, इतना प्यारी, ये भक्त प्रहलाद जी हैं और इधर माँ लक्ष्मी जी हैं। ये पूरी झांकी कितनी सुंदर बनी हुई है, और यहाँ भी सब कांच का ही कार्य है। इससे आगे चलते हैं, ये गोपाल भगवान श्री कृष्ण गाय माता के साथ में, ये गौ गोपाल का दृश्य, बड़ा प्यारा, और कांच की नक्काशी यहाँ भी प्रॉपरली सारे में की हुई है। और इसके बाद इधर शैलपुत्री माता और ब्रह्मचारिणी, यहाँ नौ की नौ देवियों के दर्शन आपको करा रहा हूँ, देखते रहें। ये चंद्रघंटा और कृष्णमांडा माता, यहाँ ये साक्षात दुर्गे माता हैं, कितना प्यारा दृश्य है, ऐसे दर्शन करने में मन लगता है।
आप लोग सारे दिन न जाने किस किस लोगों की कैसी कैसी वीडियो देखते होंगे, लेकिन यहाँ आप लोगों को मैं नौ देवी दर्शन करवा रहा हूँ। जय माता दी जरूर लिखें, कमेंट जरूर करें। ये स्कंद माता और कात्यायनी माता का दृश्य है आप देख रहे हैं, और इधर काल रात्रि और सिद्धिदात्री माता, देखिए नौ की नौ देवी हैं। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए चार माता उधर हैं, बीच में दुर्गा माता, फिर चार मात्रा इधर माता इधर हैं, और ये यहाँ इधर आ गई संतोषी माता। कितना प्यारा दृश्य है ना। जय माता दी, तो लिखते रहो, लाइक करते रहो, ताकि हमारी मेहनत वसूल हो जाए कि हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद ये अर्धनारीश्वर, ये अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ भी हैं और माता पार्वती भी। देखिए शीशे की जड़ाई हर मंदिर के अंदर है, आप देख रहे होंगे कितना प्यारा मंदिर है, हर जगह शीशे की जड़ाई का कार्य है। यहाँ से आगे का मंदिर दिखलाऊं तो ये माता सरस्वती, कितना प्यारा दृश्य है, मन करता है बस देखते रहो। और सरस्वती माता के बाद अब आगे का मंदिर दिखलाऊंगा, ये देखिए श्री लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, शीशे का कार्य यहाँ भी है, बड़ा ही सुंदर ये मंदिर है। आप जब आए तो आपका मन यहाँ से निकलने को नहीं करेगा, इतना सुंदर मंदिर है। आइए अब अगला मंदिर दिखलाता हूँ, सभी दीवारों पे सब जगह पेंटिंग है। अब ये पवन सुत हनुमान जी, कितना पावन दृश्य है। और ये आ गए गणेश भगवान, कितने सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं गणेश जी के, और पीछे के कांच का कार्य देखिए कितना सुंदर किया हुआ है, ये कितना सुंदर दृश्य है भगवान का। और अब मैं यहाँ से आपको इस मंदिर के चारों तरफ के नज़ारे करवाता हूँ। देखिए यहाँ ये प्रभु राम जी का मंदिर, जो भव्यता अलग ही है इस मंदिर की। और यहीं से मैंने जितने मंदिर दिखाए ये चारों तरफ बने हुए हैं। मेरी अगली वीडियो आप देखेंगे तो इसी मंदिर के ऊपर चलने वाली झांकियां हैं, वो जो आप वीडियो कल देखेंगे, क्योंकि मैं इसी वीडियो में इसलिए नहीं बना रहा हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कहोगे कि इतनी इतनी देर की वीडियो डालते हैं महाराज जी। ये सारी छवियाँ कांच से बनाई हुई हैं, ये पेंटिंग नहीं है, ये कांच है। कांच को किस ढंग से तराशा गया कि इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी, देखिए। और ये पूरे मंदिर का आप परिसर देख रहे हो, और इधर हमारे भगत लोग और भाई जी, जय माता दी, हर हर गंगे, और ये भक्त लोग हमारे साथ सब यहाँ दृश्य का मंदिर का दृश्य कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और अब आप लोगों को हमारे साथ बने रहें अगली वीडियो में, देखें यहाँ लड्डू गोपाल बैठाए हुए हैं, कितने प्यारे दर्शन। और अब हमारे साथ बने रहें, कल ज़रूर देखें इसका अगला भाग, जो स्वचालित मूर्तियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जय गंगे मैया, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। ये देखिए ये राम सेतु पत्थर के दर्शन कर पुण्य के भागी बने। 21 किलो 800 ग्राम का ये पत्थर है जो पानी में तैर रहा है, देखिए आपको दिखा रहा हूँ, पानी से ऊपर है, पानी की सतह से बिल्कुल ऊपर है, देख रहे हो ना।
कितना प्यारा दृश्य है, ये भी इसी मंदिर में है। ये देखिए बिल्कुल ऊपर तैर रहा है, बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊं तो आप लोगों देखोगे। देखिए कह दो आप जय श्री राम। जिन लोगों ने हमारी वीडियो सब्सक्राइब ना की हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया हो वो हमारी अगली यात्राओं को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। ये चैनल हमने धन कमाने के लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों को हर जगह के दर्शन कराने के लिए ही बनाया है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारा लक्ष्य, हम ना तो यूट्यूबर हैं ना ब्लॉगर हैं, हमारा लक्ष्य सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को उस परमात्मा से जोड़ने का है, वो किसी भी बहाने से जुड़े। और यही हम आपसे निवेदन भी करेंगे कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सभी यात्राएं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहें। जय श्री राम।